नितीश राणे यांनी 3 दिवसांअगोदर मशिदीमध्ये घुसून मारू असे चिथावणीखोर भाषण केले होते. नितीश राणेंच्या वक्तव्याला एमआयएम पक्षाचे फारुक शाब्दी यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. एमआयएम पक्षाचे फारुक शाब्दी यांनी राणे यांच्यावर टीका केली आहे. निलेश राणेंच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दात विरोध करत एमआयएम थुंकल्यास राणे उडून जातील अशा शेलक्या शब्दांचा वापर करत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. उसका नाम लिए तो मेरे मुंह में थूक आ रहा है, थूक के बात करने की वो इच्छा हो रही है मेरी. लेकिन ठीक है, ये जो दो भाई हैं जिनको एक टास्क स्पेशली दिया गया है मेरे ख्याल से कि आप लोग यही काम करते रहो ताकि महाराष्ट्र की जनता का जो दूसरे मुद्दों पर ध्यान है जैसे कि बदलापुर हो, शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया, उस पर से ध्यान हटाने के लिए दोनों भाइयों को एक्टिव किया गया है. बट स्टिल इन लोगों ने बहुत बड़ी बात की है. तो नीतीश राणे को तो जवाब हमारे इम्तियाज जलील साहब ने दे चुके हैं और उसका हम लोग उसके लिए 5 दिन बाद मुंबई आने भी वाले हैं मोर्चा लेकर मुख्यमंत्री को सब समझाने के लिए. लेकिन आज जो नीलेश राणे ने बोला है उसमें मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला कसूर आज उस जिसकी कोई लायक ही नहीं है, आज उसने ये इतनी बड़ी बात किया है तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का भी है. क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एमआईएम के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहते और अपनी ताकत दिखाते तो आज उसकी हिम्मत नहीं होती ऐसी बात करने की. लेकिन ठीक है, आप भी पॉलिटिक्स में हो, मैं भी, हम लोग सभी एमआईएम स्टिल लड़ रही है. आने वाले इलेक्शन में इस नीतीश राणे को हम लोग बखूबी जवाब देंगे. और ये जो थूकने की बात कर रहा है, थूकना तो बहुत दूर की बात है, एमआईएम वाले सिर्फ थूकेंगे तो ये नीतीश और नीलेश दोनों उड़ के चले जाएंगे. तो वो अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो वातावरण महाराष्ट्र भर में फैला रहे हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. मेरी अपील है जो ये इनको जिनको अपना बॉस मानते हैं कि मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी भी जाग जाइए, क्योंकि हमारा पूरा यकीन है कि ये दो पिल्ले जो है ये आपको भी ले डूबेंगे, आपकी पार्टी को भी ले डूबेंगे. अगर आपको बचना है, अगर आपको एक्टिव रहना है पॉलिटिक्स में तो ये दोनों को बाहर करिए और इनका नामो निशान मिटाइए. वैसे हम लोग सक्षम है इनका आने वाले इलेक्शन में इनका नामो निशान पॉलिटिक्स में से मिटाने के लिए. और मैं ओपन चैलेंज आज नीलेश राणे को ये कर रहा हूँ जो थूकने की बात कर रहा है कि अगर तू अपने आप को इतना ही ताकतवर समझता है और अपने थूक में इतनी ताकत समझता है तो फारूक शाब्दी ने आज ये सोच दिया है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब से ये बात करेगा और मांग करेगा, रिक्वेस्ट करेगा उनको कि जहां से नीलेश राणे इलेक्शन लड़ रहा है, आमदारी का अगर लड़ रहा है तो वहां से मुझे टिकट दे, फिर मैं बताना चाहता हूं कि तेरे थूक में ज्यादा ताकत है या हमारे पॉलिटिकल सैलाब, हमारे वोटर्स के थ्रू जो हम सैलाब लाते हैं उसमें ज्यादा ताकत है. और नीतीश राणे यांनी असं वक्त केलं होतं 3 दिवसापूर्वी, मशिदीत घुसून मारू बाप का राज है क्या? बाप का राज चल रहा है. कोई भी आदमी किसी भी धर्म को फॉलो करने वाला हो वो इसको एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकता, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो. मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि मस्जिद में घुस के कोई बंदा आगे, और जो मस्जिद में घुस के मारता है ना वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो राक्षस होता है, राक्षस. तो ऐसे राक्षसों से निपटने के लिए अगर मुस्लिम समाज के धर्मस्थल पर कोई हमला करेगा तो मुसलमान सक्षम है, अगर हिंदू समाज के धर्मस्थल पर मंदिरों में कोई हमला करेगा तो हमारे हिंदू भाई सक्षम है उससे निपटने के लिए. तो ये सिर्फ बोलने की बात है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है. और हमने तो कई सालों से ही देखते ही आ रहे, सिर्फ भोंक रहे हैं और इनका काम भोंकते ही रहना है. लेट देम भाग, हम लोग हमारा काम करें.